नमस्कार दोस्तों, BSA ट्रिकी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज दोस्तों कोई क्लास नहीं, आज दोस्तों यहाँ पर हम आपके लिए सुविचार लेकर आए, पॉजिटिव थॉट। तो आज हम आपके साथ में विद्यार्थियों के लिए सुविचार शेयर करने चाह रहे हैं। आजकल विद्यार्थी थोड़ी सी असफलता के कारण निराश हो जाते हैं, उनकी निराशा को दूर करने के लिए हमने उनके लिए अच्छे सुविचार लिखे हैं, जिनको पढ़कर विद्यार्थी एक बार फिर से मोटिवेट होंगे और सफलता के लिए फिर से प्रयास करेंगे। तो आज दोस्तों हम लोग जानेंगे सफल होने के 30 मूल मंत्र, जिसके एक बार फिर से दोस्तों आप लोग मोटिवेट हो सकेंगे। तो सबसे पहला मंत्र है, सफलता का जो रास्ता है वो ईमानदारी की पटरी से होकर जाता है। अगर आपको भी सफल होना है तो इसी रास्ते से होकर गुजरना होगा, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानिए। आखिर आपके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ मौजूद है जिसे दुनिया देखना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, उस चीज़ को पहचानिए। सोचने में अपना समय व्यर्थ मत कीजिए, अभी से ही अपना कार्य प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि समय की बर्बादी आपको विनाश की ओर ले जाती है। समय ही दोस्तों राजा से रंग बना सकता है और रंग से राजा। आपको दोस्तों बता दें, सफलता का कोई मंत्र नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सफलता का कोई मंत्र नहीं है, यह तो सिर्फ परिश्रम का फल है। जी हाँ दोस्तों, जो आप लोग रोज पल पल पढ़ते हो, हर वक्त मेहनत करते हो, यह सिर्फ उसी का फल है। बाकी कोई मंत्र नहीं इसका कि मंत्र फूट दिया और आपको सफलता मिल गया, ऐसा नहीं है। डर दो पल का होता है, लेकिन निडरता आपके साथ जिंदगी भर रहती है। एक शिक्षक हो, चाहे वो मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, वो केवल दोस्तों सफलता का रास्ता बता सकता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना आपको ही पड़ेगा। अपने मित्रों का चुनाव संभाल कर करें, क्योंकि यही दोस्तों आपके सुख और दुख में काम आएंगे। सफलता का रास्ता विफलता के रास्ते से ही होकर गुजरता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल। देखिए, हर कोई व्यक्ति जो सफल हुआ है वो कभी ना कभी असफल जरूर होगा, क्योंकि असफलता से ही सफलता का रास्ता होकर गुजरता है। ठीक है, असफलता हमें सफलता की ओर ले जाती है। जिस प्रकार सूर्य स्वयं जलकर प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार अथक प्रयासों से ही सफलता हासिल होती है। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप करते हैं, इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग, सही सोचें, अच्छा सोचें। परीक्षा उन्हीं की होती है जो उसके लायक होते हैं, सबकी परीक्षा नहीं होती है। जो झुकता नहीं है वह टूट जाता है, इसलिए दोस्तों आपको हमेशा अहंकार से दूर रहना है। समय बहुत तेजी से बीत रहा है, जो करना है अभी कर लो, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने रास्ते खुद बनाएं, दूसरों के रास्तों पर ना चलें, क्योंकि लक्ष्य आपको पाना है, किसी दूसरे को नहीं। तो अपना रास्ता खुद चुनें। अगर आप किसी को दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि आपको दोस्तों अपने लिए कार्य करना है, किसी दूसरे के लिए नहीं। जब तक आप किसी कार्य को करना प्रारंभ नहीं करेंगे, वह संपूर्ण नहीं होगा। ये आप लोग जानते हैं दोस्तों कि अगर आप लोग अगर कोई काम करना चाहते हैं उसको शुरू नहीं करेंगे तो वो कभी भी पूरा नहीं होगा। गुरु केवल आपको शिक्षा दे सकता है, उसका उपयोग कैसे करना है यह दोस्तों आपके ऊपर निर्भर करता है कि उसका प्रयोग कैसे करना है। अगर आप दूसरों का सम्मान करेंगे तो आपको भी सम्मान मिलेगा। एक बात दोस्तों हमेशा याद रखें, जिंदगी आपको हर दिन एक नया मौका देती है, तो उस मौके को पहचानिए और उसका लाभ उठाइए। समय के साथ हमेशा चलते रहे तो लोहे की तरह आप भी जंग लग जाएगा दोस्तों। बिल्कुल, ये दोस्तों किसी यहाँ पर शायर ने खूब कहा है कि एक बात दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा, समय के साथ हमेशा चलते रहे, नहीं तो लोहे की तरह आप में भी जंग लग जाएगी। शिक्षक से सवाल करना अच्छी बात है, क्योंकि यह आपको ज्ञान के मार्ग की ओर ले जाता है। अगर आप किसी भी कार्य को करने का दृढ़ निश्चय कर ले दोस्तों, अगर आप किसी भी कार्य को करने का दृढ़ निश्चय कर ले तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो कि आपका रास्ता रोक सके, क्योंकि अगर आपको कोई सफलता पाने से रोक सकता है तो वो है आप खुद। अगर दोस्तों आपको सफलता पाने से कोई रोक सकता है तो वो आप खुद है। एक बात की अपने मन में गांठ बांध ले दोस्तों, इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। पढ़ना कभी भी बंद ना करें, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। सभी के लिए सफलता के मायने अलग अलग हैं, तो अपना कार्य स्वयं करें, दूसरों के भरोसे मत रखें, क्योंकि दोस्तों दूसरों से हमेशा धोखा ही मिलेगा।
धन आपसे कोई भी छीन सकता है, लेकिन ज्ञान आपके पास हमेशा बना रहेगा। और अगर आपके पास ज्ञान है तो कुछ भी करना नामुमकिन नहीं। गिरने से डरोगे तो कभी खड़े नहीं हो पाओगे दोस्तों, इसलिए लड़खड़ाना नहीं है। लड़खड़ा के तो व्यक्ति चलना सीखता है। कभी किसी का भरोसा ना तोड़े, क्योंकि अगर एक बार भरोसा टूट जाता है तो दोबारा कभी नहीं जुड़ता है। कभी कभी आंखें भी धोखा दे जाती हैं, इसलिए हमेशा अपने आँख और कान दोनों खुला रखकर करें। हर समस्या का समाधान आपके पास होता है, क्योंकि समस्या आपसे ही उत्पन्न हुई है। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग क्या करते हैं, पढ़ाई के तरह तरह के बहाने ढूंढते हैं कि कैसे पढ़ाई से बचा जाए, लेकिन दोस्तों यही आप लोगों को सफलता की ओर ले जाती है। अच्छे लोगों से हमेशा मित्रता बनाकर रखें, क्योंकि उनसे आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। जिस तरह से बूंद बूंद से घड़ा भरता है, जी हाँ दोस्तों आपको बता दें, जिस तरह से बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी तरह से रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ने से ही सफलता प्राप्त होती है। अहंकार कभी नहीं करना चाहिए दोस्तों, सभी के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। कभी किसी से झूठ ना बोले, क्योंकि एक झूठ को छिपाने के लिए 100 और झूठ बोलने पड़ते हैं। सदा अपने ऊपर विश्वास रखो दोस्तों, हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखो, कभी भी धोखा नहीं खाओगे। विकास और विनाश दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। विकास और विनाश दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। अब चुनना आपको है कि आपको क्या करना, विकास या फिर विनाश, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसे एक एक सीढ़ी चढ़कर ही प्राप्त किया जाता है। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। समस्या का समाधान ढूंढें, उससे दूर ना भागें। सफलता का दरवाजा हमेशा खुला रहता है, यह तो आप पर निर्भर करता है कि आप उसे पार कर पाते हैं या नहीं। जब तक आप सीखते रहेंगे तब तक आपका विकास होता रहेगा। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। सफल और असफल दोनों व्यक्तियों के पास एक दिन में 24 घंटे का ही वक्त होता है दोस्तों। चाहे व्यक्ति कोई भी सफल हो चाहे व्यक्ति असफल हो, दोनों ही व्यक्तियों के पास एक दिन में 24 घंटे का ही टाइम होता है। तो दोस्तों चाहे सफल व्यक्ति हो चाहे असफल हो, दोनों के लिए समय समान है। तो फिर दोस्तों क्यों व्यक्ति असफल होता है, ऐसा क्या रीजन है, इस चीज़ को ढूंढिए। सपने देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन उन सपनों को साकार करने के लिए कार्य नहीं करना यह बहुत बुरी बात है। कभी भी किसी को अपने से कम ना समझें। सफलता की शुरुआत तभी से हो जाती है जब आप उस पर कार्य करने के लिए लग जाते हैं। अगर आप स्वयं अपने ऊपर विश्वास नहीं कर सकते तो दूसरे आपके ऊपर विश्वास कैसे करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि अपने ऊपर विश्वास तो होना ही चाहिए। अगर आप दूसरे के बारे में भी सोचते हैं, अगर आप दूसरे के बारे में भी सोचते हैं तो एक आप अच्छे इंसान हैं दोस्तों। कठिनाइयां तभी आती हैं जब आप कुछ कार्य कर रहे होते हैं, कठिनाइयां तभी आती हैं जब आप कुछ कार्य कर रहे होते हैं। सफलता आपको तब तक प्राप्त नहीं हो सकती जब तक आप विफलता के बारे में सोचते रहेंगे दोस्तों। एक बात आपको बता दें, सफलता आपको तब तक प्राप्त नहीं हो सकती जब तक आप विफलता के बारे में सोचते रहेंगे। लगातार परिश्रम करना ही सफलता की कुंजी है। तो आज मैंने दोस्तों आपको बताया सफलता, सफल होने के कुछ बहुत ही मूल मंत्र। सफलता का असली महत्व भी वही समझ सकता है जिसने कठिन परिश्रम किया हो। मेरी बातें आज उसे ही अच्छी लगेंगी जिसने बहुत ही परिश्रम किया हो। हमेशा अपने से बड़ों का सम्मान करें। कल आपने जितना किया अगर आज उससे ज़्यादा कर रहे हैं तो आप सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। सत्य की कोई परिभाषा नहीं है, यह तो बस अटल है। एक चींटी से सीखिए। एक चींटी भी सीखने के लिए आपको बहुत कुछ सिखा कर चली जाती है। एक चींटी अपने से दोगुना वजन उठाकर अपने लक्ष्य पर पहुंच जाती है तो आप तो फिलहाल एक इंसान हैं। आपकी हार तब तक नहीं होती जब तक आप स्वयं हार नहीं मान लेते। अगर आप कुछ नया नहीं कर रहे हैं तो आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो सफल होने के लिए नया कुछ ना कुछ करना बहुत ही ज़रूरी है। अपने लक्ष्य को वही व्यक्ति हासिल कर सकता है जिसको लक्ष्य के अलावा और कुछ दिखाई ना दे। ठीक है, जैसे कि अर्जुन दुनिया को वहाँ पर मछली पेड़ पौधे दिख रहे, लेकिन अर्जुन को सिर्फ अपना लक्ष्य दिख रहा था और उसका लक्ष्य था उस मछली की आँख को देखना, उस मछली की आँख को भेदना। जो अपनी असफलताओं से सीखकर आगे बढ़ते हैं वही इतिहास रचते हैं, क्योंकि दोस्तों पढ़ने वाला इतिहास पढ़ता है और करने वाला इतिहास रचता है, ये तो आप लोग जानते होंगे। जो व्यक्ति अपनी असफलताओं से कोई सीख नहीं देता वह कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। अपने गुरु की बात ध्यान से सुने। असफलता आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। संसार में ज्ञान ही एक ऐसी वस्तु है जिसे जितना बांटेंगे वो उतना ही बढ़ता है, क्योंकि कठिनाइयों का डटकर सामना करने वालों की ही जीत होती है। आपसे
दोस्तों आप में से ही नौकरी देने वाला और नौकरी करने वाला बनेगा, आप लोगों में से ही कोई नौकरी देने वाला बनेगा और कोई नौकरी करने वाला बनेगा। अब ये आपको तय करना है कि आपको नौकरी देना है या फिर नौकरी करना है। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर ये आज की वीडियो आपके लिए आपके जीवन में कोई परिवर्तन ला सकती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर आप सभी लोग जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों कुछ ऐसे ही मोटिवेशनल लाइंस के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी लोग हमारे अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों कुछ ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के साथ। बने रहिए दोस्तों आप लोग अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। तब तक ले दोस्तों नमस्कार।